नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1। हमारा पाठ 1 है भारत की विरासत। तो इस पाठ में हमें जो है हमारे देश की विरासत जो है उसके विषय में समझाया गया है कि हमारे विरासत कौन कौन सी है, विरासत को कितने भागों में बांटा गया है, उस सब के विषय में जो है हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की विरासत। भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में भारत के विषय में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत जो है प्राचीन संस्कृति वाला देश है और भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण उसमें यह कहा गया है कि मतलब जो श्लोक है वह बताया गया है और यहाँ पे आपको जो है उसका हिंदी में अर्थ समझाया गया है। अर्थात यह होता है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित जो है स्थल उसका नाम भारतवर्ष है, जिसकी संतान जो है भारतीय है। और भारत में शुभ कार्य के प्रारंभ में लिए जाने वाले संकल्पों में जो है भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त जैसे शब्दों का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थल का नाम जो है वह है भारत वर्ष, जिसके जो है यहाँ पे संतान भारतीय है। और भारत में किए जाने वाले कोई भी शुभ कार्य जो है जैसे पूजा पाठ वगैरह जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त जैसे शब्दों का जो है उपयोग किया जाता है। पूर्व पश्चिम दक्षिण तीनों दिशाओं में समुद्र और उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं जैसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पूर्व पश्चिम दक्षिण जो है तीनों दिशाओं में भारत के तीनों ओर क्या है समुद्र और उत्तर की दिशा में जो है हिमालय की गिरिमालाएं है, ऐसी प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा भारत देश है। हमारे देश की समृद्धि से आकर्षित होकर के अनेक विदेशी लोग व्यापार करने भारत आए, स्थायी हुए और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। इस आदान प्रदान की परस्पर प्रक्रिया द्वारा जो है देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले और इसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का हस्तांतरण हुआ तथा उसका सातत्यपूर्ण विकास भी हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारे देश की जो समृद्धि थी उस समृद्धि से आकर्षित होकर जो है काफ़ी विदेशी जो है यहाँ पे विदेशी लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए और वे यहीं पे जो है बस गए, यहीं पे स्थायी हुए, यहीं पे रहने लगे। तो भारतीय संस्कृति के जो है यहाँ पे धरा में वे लोग मिल गए और इस आदान प्रदान की जो परस्पर प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हमें हमारी संस्कृति में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि हमने जो है विदेशों से आए हुए लोगों की संस्कृति को अपनाया और वहाँ से आकर जो लोग यहाँ पर बसे उन्होंने हमारी संस्कृति को अपनाया तथा हमारी संस्कृति में यह जो परिवर्तन सब हमें देखने को मिले यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है विरासत की तरह आगे बढ़ता रहा और इसका विकास भी हुआ। भारत का स्थान और विस्तार। तो आगे हमें जो है भारत का स्थान और विस्तार के विषय में बताया गया है। वर्तमान भारत के स्थान और विस्तार के विषय में हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन समय का भारत बहुत विशाल था और वर्तमान समय में भी भारत जो है विस्तार की दृष्टि से विश्व में सातवें क्रम एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है विस्तार की दृष्टि से जो है विश्व में सातवें क्रम पर है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है यहाँ पे विश्व में दूसरे स्थान पर है। आगे है वैविध्यपूर्ण विरासत। भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारतीय जो है संस्कृति शांतिप्रिय और व्यापारी रही है। भारत की संस्कृति में जो है यहाँ पे संस्कृति में से सच्चित और आनंद का अनुभव हमें प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है। उसके द्वारा अपनाए गए अहिंसा एवं शांति के मूल्यों की आज समूचे विश्व में प्रशंसा हो रही है और उसे स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि भारत भूमि ने जो है हमें और विश्व को जो है एक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विरासत दी है जो कि विश्व में एक अनोखा स्थान रखती है। और भारतीय संस्कृति जो है शांतिप्रिय है और व्यापारी रही हुई है। भारत की संस्कृति में से हमें जो है सच्चित और आनंद का अनुभव भी प्राप्त होता है। शांतिमय जीवन यहाँ पे जो है लोग जीते है।
है। इसके उपरांत यहाँ आकर जो विभिन्न विभिन्न प्रजा के लोग बसे उनकी संस्कृति के साथ जो आदान प्रदान हुआ, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो है वह यहाँ पे समृद्ध बनी और उसके द्वारा अपनाई गई अहिंसा एवं शांति के मूल्य को जो है आज पूरे विश्व में जो है उसकी प्रशंसा की जा रही है और उसे पूरे विश्व ने जो है स्वीकार किया है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक के लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल द्वारा समृद्ध बनाया है। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक ऋषि मुनियों, संतों, विदुषियों, विद्वानों, चिंतकों, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों, शिक्षा शास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों, समाज सुधारक वगैरह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा और रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले। इस तरह भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर जो है आज तक भारत में जो है भारत को लोगों ने अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति और कला कौशल द्वारा जो है भारत के लोगों ने उसे समृद्ध बनाया है। और भारत के भव्य विरासत के निर्माण और इसके प्रशिक्षण के लिए जो है अनेक ऋषि मुनि, संत और जो सुधारक, जो भी है कलाकार, कारीगर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ वगैरह जो भी है, इन सभी समाज सुधारकों का जो है भारत की संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनके जो भी है धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, रीति रिवाज, पहनावा आदि सभी जो है भारत को मिले हैं। और इस तरह से हमारी भारत की जो है यह संस्कृति रंग बिरंगी हुई है। संस्कृति का अर्थ, तो आगे हमें जो है यहाँ पे संस्कृति का अर्थ बताया गया है। संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। तो संस्कृति क्या होता है कि संस्कृति अर्थात जो है हमारे जीवन जीने की कला, हम किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, यह सारा जो है हमें बताया गया है। देश या समाज में जो है समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जनजीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार और जो है सामाजिक नीति, रीति इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति बनती है। संस्कृति अर्थात मानव मन की उपज और उसमें जो है मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक ले जाने वाले आदर्शों का योग, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि देश या समाज में जो है समय समय पर जैसे जैसे परिस्थिति बदली उसके अनुसार जो है लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ, समाज में नए विचार वगैरह आए, नए रीति रिवाज आए, इन सभी से हमारे अलग अलग समाजों की संस्कृति जो है वह बनती है। और संस्कृति अर्थात जो है मानव मन की उपज और उसमें जो है उस मानव मन की उपज और मानव समाज की आदतें, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन और जीवन को जो है उच्चतम उद्देश्यों की ओर ले जाने वाले आदर्शों का जो योग है उसे भी जो है हम यहाँ पे संस्कृति कहते हैं। आगे है भारतीय संस्कृति की विरासत। विरासत अर्थात हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। तो हम विरासत किसे कहते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो अमूल्य भेंट मिली है उसे हम क्या कहते हैं, विरासत। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा में हम मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है, ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन, ऐसा कहा जा सकता है। आइए भारतीय विरासत को नीचे दिए गए दो विभागों के माध्यम से समझें। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भारतीय संस्कृति की विरासत अर्थात कि हमारे भारत का जो है यहाँ पे इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और विद्यालय में जब भी आप प्रतिज्ञा लेते हो तो उसमें क्या बताया गया है कि मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है, ऐसा कहा जाता है। यह समृद्ध विरासत अर्थात जो है हमारा भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की ओर देन, ऐसा कहा जाता है। अब हम यहाँ पे जो है विरासत को दो भागों में बांटा गया है जिसके विषय में समझेंगे। जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि भारत की प्राकृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।